कुजनेर में एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ है। हुआ यह है कि वहाँ की कलेक्टर निवेदिता के पास जब पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन देने के लिए पहुँचे तो निवेदिता ने यह कहा कि उन्हें 90 दिन का समय दिया जाए, वे इस पूरे मामले की जांच कराएंगी। बद्रीलाल यादव द्वारा यह कहा गया था कि गणतंत्र दिवस के आसपास जो प्रकरण दर्ज हुए हैं कार्यकर्ताओं पर, उनकी जांच करके जो निर्दोष कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ लगे मुकदमे हटाए जाएं। इस पर निवेदिता द्वारा 90 दिन का समय मांगा गया। जब यह बात सामने आई तो पूर्व मंत्री द्वारा यह बयान दे दिया गया कि 90 दिन में तो सरकार ही गिर जाएगी। इस पर निवेदिता भड़क गई और निवेदिता ने यह बोला कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, यानी इस तरह की बात करके उनकी कार्यशैली को प्रभावित करने की कोशिश नहीं की जाए। सरकार रहती है जाती है यह उनका इशू नहीं है, उन्होंने जो कहा है उस पर वे अमल करेंगी, यानी 3 महीने में जाँच करके बताएंगी। कुल मिलाकर पूर्व मंत्री का यह बयान बेहद विवाद का विषय बना हुआ है कि मंत्री ने आखिर इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि 90 दिनों में सरकार चली जाएगी। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।